हेलो गाइस, तो यहाँ पर हमारा इंस्टॉलेशन जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अभी नीचे ऑप्शन है रिबूट सिस्टम, यूज़ ऑफ दिस। जब भी यहाँ पे ऐसे ट्रायंगल का ऑप्शन आपको मिलेगा तो यहाँ पे पढ़ना आप, यूज़ ऑफ दिस प्रोडक्ट इज सब्जेक्ट टू द लाइसेंस अग्रीमेंट फाउंड। ओके ठीक है। ओके तो चलिए हम लोग रिबूट सिस्टम कर लेते हैं। इस पर रिबूट करेंगे, फिर से बता रहा है कि राइट का जो कंट्रोल कंट्रोल का जो की है वो आपको एज अ होस्ट की यूज करना है। यहाँ पे कैप्चर कर लेते हैं। ठीक है, रिबूट पे मैंने क्लिक किया, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो ये रिबूट होना शुरू हो गया है। रिबूट मतलब रिस्टार्ट भी बोल सकते हो आप इसे, सिस्टम को अभी ये रिस्टार्ट कर रहा है। ओके, तो ये हमारा अभी शुरू हो गया है सिस्टम। चलिए, ओएस कंप्लीटली इंस्टॉल हो चुका है, आप इसे, ठीक है चलिए होने देते हैं हम लोग इसे। और आगे काफ़ी टाइम लग गया ये इंस्टॉलेशन में, कभी कभार ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि नए नए अपडेट्स आते रहते हैं, उसके हिसाब से फिर वो टाइम लेता है। तो मैंने उस टाइम पे जब विंडोज़, सॉरी सेंटोएस 8 जब डाउनलोड किया था तो जल्दी हो गया था, आई मीन 15 to 20 मिनट्स में इंस्टॉल कंप्लीट हो गया था। अभी तो मुझे करीब 45 मिनट्स के करीब लग गए। ठीक है चलिए, वो क्यों हुआ वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे एक लाइसेंस होता है, इसे हम लोगों को एक्सेप्ट करना है। चलिए लाइसेंस में क्या है, लिनक्स यू कम्स विथ नो गारंटी और वारंटी ऑफ एनी सॉर्ट इधर रिटर्न और इम्प्लाइड डिस्ट्रीब्यूशन रिलीज। ठीक है ओके, तो इसमें जो है लिनक्स का ये थोड़ा एक प्रॉब्लम होता है कि इसमें कभी कभार कुछ बग्स आ सकते हैं। ठीक है, तो उसी का ये बता रहे हैं कि इसकी कोई गारंटी या वारंटी नहीं लेते हैं हम लोग, ये फ्री सॉफ्टवेयर है, तो इसे हम लोग फ्रीली यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। चलो तो ओके, तो ये मैंने डन कर दिया, तो लाइसेंस को मैंने एक्सेप्ट कर दिया। उसके बाद में यूज़र क्रिएशन आप कर सकते हो, करना है करो, नहीं करना है मत करो। ठीक है, आपका जो रूट यूज़र है उसका तो हमने पासवर्ड सेट कर दिया है, दैट्स इट। तो रूट यूज़र है, उसके बाद में यूज़र और नॉर्मल यूज़र भी आप लोग मतलब बना सकते हो, जितना चाहे उतना बना सकते हो। तो ज़रूरी नहीं है अभी बनाना, हम लोग बाद में भी बना सकते हैं। तो इसे हम लोग फिनिश करते हैं कॉन्फ़िगरेशन को। ओके, तो ये है आपका इंटरफेस, थोड़ी देर रुकना पड़ेगा, लोड हो रहा है। ओके, नेक्स्ट 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 स्किप करते इसे। फुल नेम अबाउट यू, मेरे बारे में वही है कि मतलब आप बनाओ अपना लॉगिन। तो यहाँ पे कुछ है सेटअप इंटरप्राइज लॉगिन, इसमें नेक्स्ट नहीं आ रहा है अभी। ठीक है, मैं कर देता हूँ मेरा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे हर्षल लिख देता हूँ, यूज़र नेम भी हर्षल। उसके बाद आगे चलते हैं, पासवर्ड सेट कर देता है 1234 से, कंफर्म कर देते हैं 1234। आगे ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा सेटअप। अभी स्टार्ट यूजिंग सेंटोएस लिनक्स, इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा सेट होने में और कुछ आइकॉन्स यहाँ पे आने चाहिए। ठीक है, तो ये देखिए गाइस जीनोम। ठीक है, आपका जो GUI है वो जीनोम GUI है। ठीक है, एक KDE भी GUI आता है, उसका यूजर इंटरफेस डिफरेंट होता है, ये जीनोम है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे आपको टर्मिनल मिलेगा, यहाँ पे और बहुत सारे जो एप्लीकेशंस है प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस वो आपको मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये ऑल है जो फ्रिक्वेंटली हम लोग सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे,
तो ये फ्रिक्वेंट में आ जाएगा। फिलहाल तो हमने कोई भी एप्लीकेशन यूज नहीं किया है। और ये है आपके फाइल्स, यहाँ पे फाइल्स आप देख पाओगे, नंबर ऑफ फाइल्स। उसके बाद ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारा, इसे हम क्लोज कर सकते हैं यहाँ से। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है टर्मिनल, टर्मिनल पे क्लिक कर देंगे, ये आ गया आपका टर्मिनल। ओके, तो ये हो गया आपका लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपने सेट कर दिया है, वर्चुअल मशीन क्रिएट कर दी है आपकी। तो इसे जो है आप अभी देखिए, आप जो है यहाँ से बाहर, आपका जो ये कर्सर है, एरो है, ये आपका बाहर नहीं जा रहा है, बस यही तक रुक गया है। ठीक है, तो बाहर क्यों नहीं जा रहा है? तो बाहर इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि आप बस इसी पे मतलब यूज कर सकते हो, यही पे कुछ टाइप कर सकते हो, यही पे क्लिक कर सकते हो, आप इसके बाहर जो है वो क्लिक नहीं कर सकते। तो इसके बाहर जाने के लिए मुझे राइट हैंड हॉट होस्ट की जो है उसे क्लिक प्रेस करना पड़ेगा। तो मैं राइट हैंड साइड पे कंट्रोल करके एक होस्ट की है उसे क्लिक करूंगा, तो देखिए दूसरा एरो आ गया और अब आप बाहर जा सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। अगर मैं फिर से कंट्रोल यहाँ पे अगर अंदर में क्लिक करूंगा, कैप्चर का ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो अब ये देखिए आप बाहर नहीं जा सकते। तो ये एक चीज़ है, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, अगर आपको अगर इसे बंद करना है तो आप यहाँ से भी टर्मिनल से आप क्लोज कर सकते हो। टर्मिनल में आप लिख दो यहाँ पे init 0 से भी बंद होता है, या फिर आप शटडाउन भी कर सकते हो, शटडाउन होता है क्या? नहीं, शटडाउन जो है इन्होंने यू टू कैंसल। ओके, चलिए शटडाउन को कैंसिल कर दे रही है। देखो यही पे दिया हुआ है इन लोगों ने, इसे आप कॉपी करो, यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ये जो शटडाउन है ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो मैं देखता हूँ शटडाउन के लिए क्या है। शटडाउन पावर ऑफ के लिए ऑप्शन देखना पड़ेगा, रिबूट के कैंसिल। पावर ऑफ लिख सकते हो। ठीक है, तो इसको हम लोग शटडाउन पील करते हैं। चलो इसे init 0 कर देते हैं। ओके, शटडाउन नाउ ये लिखने से क्लोज हो जाता है। ठीक है, init 0 से भी होता है, पावर ऑफ लिखने से भी क्लोज होता है। तो देखिए आप अभी शटडाउन कर दिया है आपने आपका वर्चुअल मशीन, और ये हम लोग बाहर आ गए। ठीक है, तो यही था। तो ऐसे ही आपको ये सेटअप करना है, वर्चुअल मशीन क्रिएट करनी है। मैंने ये सेंट ओएस क्रिएट किया है क्योंकि ये RMS फैमिली से बिलोंग करता है, और मेरा जो फिजिकल मशीन है वो उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम डेबियन फैमिली से बिलोंग करता है, तो दो डिफरेंट फैमिली के हैं मेरे पास दोनों लिनक्स सिस्टम। ये देखिए मेरा जो ये है, ये मेरा फिजिकल मशीन है जो उबुंटू का है। ठीक है, जो पर्सनली मैं यूज करता हूँ। और ये जो मैंने क्या किया, वर्चुअल बॉक्स में एक वर्चुअल मशीन CentOS का इंस्टॉल कर दिया है। तो हम लोग दोनों चीजें सीखेंगे, डेब भी सीखेंगे और RPM भी सीखेंगे। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे फाइल सिस्टम सीखेंगे, डाउन पैकेज कैसे, सॉफ्टवेयर कैसे डाउनलोड करेंगे, उसके बाद रिपोजिटरी कैसे क्रिएट करेंगे, वो सब चीज़ें हम लोग आगे सीखने वाले हैं। तो कीप ऑन वॉचिंग माई वीडियो, आपको ऐसे ही नए नए चीज़ें आपको पता चलेंगी, वो भी काफ़ी सरल भाषा में। थैंक यू सो मच।